हिमाचल की सुखविंदर सरकार ने निराश्रितों के लिए सुखाश्रय कोष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत निराश्रितों के लिए सरकार ने 101 करोड़ का सुखाश्रय फंड स्थापित किया है। सरकार के साथ ही समाज के अन्य वर्ग भी सुखविंदर सरकार की इस योजना में अपना सहयोग दे रहे हैं। वहीं नगर निगम के कंगनाधार से कांग्रेस पार्षद राम रतन वर्मा ने अपना पूरा मानदेय सुखाश्रय कोष में देने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को रामरतन वर्मा नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पर महापौर सुरेंद्र चौहान को पत्र लिखकर अपना मानदेय न लेने की बात और इस मानदेय को सीधे सुख आश्रय कोष में देने का आग्रह किया। इससे पहले नगर निगम के महापौर और उप महापौर ने भी अपने एक माह का मानदेय सुख आश्रय में दिया है। मेरा नाम रामरतन वर्मा, मैं वार्ड नंबर 30 कांगनाधार से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीता हुआ पार्षद हूँ। मैंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी ने जो सुखाश्रय जो योजना चलाई है, इससे प्रभावित होकर और हमारे जो मेयर साहब हैं सुरेंद्र चौहान जी, इनकी जो नीतियाँ थी, इनका जो जनता के प्रति सेवा थी, उनसे सब से प्रभावित होकर मैंने जो अपना जो मेरा मानदेय बनेगा, हर महीने का जो मानदेय होगा, 5 साल का मानदेय होगा, लगभग आज की डेट के हिसाब से ये 4,25,000 बनता है। मैं ये सारे का सारा मानदेय सुखाश्रय जो योजना कोष है उसमें देने के लिए मैंने मेयर साहब को पत्र लिख दिया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मैंने पत्र लिख दिया है कि मेरा मानदेय जो है, तो मैं 5 साल जब तक पार्षद रहूँगा तब तक 1 रुपया नहीं लूँगा, सारे के सारा मेरा मानदेय होगा वो सुखाश्रय जो कोष होगा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चलाया है उसमें देने के लिए मैंने पत्र दे दिया है। दूसरे, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये योजना चली है ये ऑर्फन और डिसेबल्ड और चिल्ड्रन की सहायता के लिए चली है, तो हमारा समाज में एक दायित्व बनता है कि जो सारे लोग हैं इसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट अगर सब लोग करेंगे तो उनकी जो जिनके मुश्किल होती है बच्चों को आगे पालने के लिए, तो उनमें ये हमारा पैसा अगर लग जाएगा तो हमारा जो समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी बनती है वो एक हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते वो निभाने को सब आदमी अगर तैयार होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, मैं आज हमारा सुखाश्रय के मेरा हमारा जो अनिर्णय बोलते हैं जिसको मानदेय कहते हैं, सभी पार्षदों को मेयर डिप्टी मेयर को मिलता है, मैंने भी इसमें अपना पहला मानदेय जो सुखाश्रय में देने की घोषणा की, जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो गरीब आदमी गरीब बच्चा जिनके लिए सहारा बच्चे हैं उनके प्रति ये योजना चलाई थी, उसी संदर्भ में आज हमारे पार्षद वर्मा जी जो कांगनाधार से हमारे पार्षद हैं, इन्होंने ना केवल 1 महीने का बल्कि इन्होंने पूरे 5 साल का अपना मानदेय जो है सुखाश्रय में देना गया, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना से बहुत प्रभावित भी हैं और हम सभी लोग इससे बहुत प्रभावित भी हैं, और इन्होंने लगभग ये 5 साल का मेरे हिसाब से 4,25,000 का जो मानदेय है वो बनता है और समय समय पे ये बढ़ता भी रहता है, उसी हिसाब से इन्होंने मुझे पत्र के माध्यम से और चिट्ठी भी दी है जिसको हम अपने डिपार्टमेंट को देंगे और इसमें वहाँ पे हम चेक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को इसका जल्द ही चेक भी देंगे, और इसका मैं वर्मा जी के इस बड़े सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो अपने पूरे 5 वर्षों का मानदेय भी सुखाश्रय में देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।